नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। दक्षिण दिल्ली की मेहरौली इलाके में स्थित अंजदुखी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मस्जिद 600 से 700 साल पुरानी थी, जिसका निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसी मस्जिद परिसर में मदरसा बहरुल उलूम के साथ कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थी, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने मंगलवार 30 जनवरी की सुबह ध्वस्त कर दिया। जाकिर हुसैन पिछले 1.5 साल से इस मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दावा किया कि DDA ने सुबह सुबह बेहद गुपचुप ढंग से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और लोगों की नजर से इसे छिपाने के लिए मस्जिद और मदरसे का मलबा भी तुरंत हटा दिया गया। हुसैन कहते हैं कि बुलडोजर आने और विध्वंस शुरू होने से पहले हमें अपना सामान इकट्ठा करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट का समय दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनका फोन छीन लिया, उन्हें साइट से दूर ले जाकर इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि परिसर के चारों ओर CISF कर्मियों को तैनात किया गया था और मस्जिद ढहने के बाद सारा मलबा इकट्ठा करके तुरंत ही उसे वहां हटवा दिया गया। बता दें कि DDA इन दिनों संजय वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने में जुटी है। इस अभियान के तहत इलाके से कई मंदिरों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को हटाया गया है। वहीं इस मस्जिद को ध्वस्त करने के पीछे PDA अधिकारियों ने तर्क दिया है कि ये संरचना दक्षिणी रिज के आरक्षित वन भाग संजय वन में थी। PDA अधिकारियों ने कहा कि रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के मुताबिक रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।